शिमला में जल संकट को लेकर युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस ने सीएम और मंत्रियों के आवासों का घेराव किया और पुलिस बल के साथ भी झड़प हुई। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से पहले सीएम आवास का घेराव किया, उसके बाद मंत्रियों के आवासों की ओर रुख किया। युवा कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की सरकार को नींद से जगाने के लिए रात को धरने दिया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने शोर शराबा करते हुए रैली निकाली। उन्होंने आरोप लगाया है कि चहेतों और सड़क किनारे लोगों को पानी दिया जा रहा है, जबकि सड़क से दूर रह रहे लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस ने 30 मई तक का अल्टीमेटम शिमला शहर में जल संकट दूर करने को दिया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मुनीश ठाकुर ने कहा कि निगम आईपीएच विभाग सरकार को गुमराह कर रहा है, शहर में पानी की सही फीडबैक नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में पानी का संकट दूर नहीं होता है तो युवा कांग्रेस मंत्रियों के घरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। देखिए कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि कहावत भी है और सही भी है, जो चरित्र आप खुद दिखा रहे हैं उसमें जल ही जीवन है। हम पूछना चाहते हैं कि जल ही अगर जीवन है तो आज इस प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो राजधानी है विश्व मानचित्र पर जो प्रसिद्ध है और टूरिज्म का सीजन पीक पर है, बहुत सही मदद की उस टूरिज्म की वजह से रोजगार मिलता है, वो आज ठप पड़ा है। जल ही जीवन है, इसको लेकर यूथ कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम 7 मई को धरना दिया था नगर निगम के बाहर और जिला कार्यालय के बाहर, और हमने चटाया था प्रदेश सरकार कि अगले 15-20 दिनों के अंदर अगर पानी की व्यवस्था का सही रूप से आपने आवंटन नहीं किया तो यूथ कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। और इसी कड़ी में हमने 26 मई को एक अल्टीमेटम दिया कि आने वाले हफ्ते के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो यूथ कांग्रेस सीएमओ की ओर मार्च करेगी, और उसी का नतीजा आज यहाँ पर है। और ये जो पानी की समस्या है, पानी सीएम साहब ने भी पीना है, हमने भी पीना है, आपने भी पीना है, और पुलिस प्रशासन ने भी पीना है। क्या जरूरत है धारा 144 और इस तरह का जो पुलिस का माहौल यूथ कांग्रेस के साथियों को जलाने के लिए जो किया गया है, इसके लिए क्या दर्शाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक के नेता है चोरी से पानी लेते और कमर्शियल रूप का यूज करते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहूँ एडमिनिस्ट्रेशन का भी और माननीय हाईकोर्ट जी का, जिन्होंने आज एक डिसीजन बनी दिया प्रोसीडिंग में, कहा है कि डायरेक्शन गवर्नमेंट को दी है कि जो पानी के टैंकरों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने उसके लिए कहा अगर कहीं पानी के टैंकरों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इन बिटवीन उसको ना छेड़ा जाए, उससे कोई धरना प्रदर्शन ना किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को वार्ड नंबर 1 में भेजे, 2 में भेजे, 3 में भेजे, और धरना प्रदर्शन के लिए उन्होंने देश की जो सरकार है पिछले 1 महीने से जो कुमकेंट हुई है उसको जगाने के लिए हमारा सिंबॉलिक प्रदर्शन है। और पुलिस के साथ यहाँ पर बैठे हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक सरकार का नुमाइंदा या हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। हम भी तो देखिए सीएम हाउस का पानी कैसा है और सीएम साहब भी वो पानी पिए, सीवर का जो इस प्रदेश की जनता को